जबलपुर के आधारताल थाना अंतर्गत आनंद नगर में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अच्छी बात यह थी कि समय रहते पड़ोसियों ने लूट की घटना को नाकाम कर दिया। आनंद नगर में रहने वाले डॉक्टर जी एन निगम के घर पर एक महिला सहित चार लोग दिन दहाड़े घुसे और उनकी पत्नी को घायल करते हुए नकदी और सोने की चेन लूट कर जब फरार हो रहे थे, इस दौरान पड़ोसियों ने सभी आरोपियों को पकड़कर पहले तो उनकी जमकर धुनाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि इस पूरे गिरोह की मास्टरमाइंड महिला रजनी प्रजापति है, जो कि जम्मू की रहने वाली थी। लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए रजनी ने अपने साथ तीन लोगों को जम्मू से लेकर जबलपुर आई थी। पड़ोसियों के द्वारा चारों ही आरोपियों को पकड़ने के बाद आधारताल थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। थाना प्रभारी विजय विश्वकर्मा का कहना है कि इस लूट की मास्टरमाइंड रजनी प्रजापति पहले डॉक्टर निगम के घर पर काम किया करती थी। कुछ साल पहले काम छोड़कर रजनी जम्मू चली गई थी और हाल ही में कुछ दिनों पहले वह जबलपुर आई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने डॉक्टर निगम के घर से 5,000 नगद और एक सोने की चेन लूटी थी, जिसे की बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने चारों के खिलाफ लूट मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जल्द ही इनके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। घर में घुसे थे, मेरा मुंह दबाया और तब गला दबाया और चेन वेन की कुछ सामान लेकर चले गए। कौन लोग हैं ये? नहीं जानते, मैं नहीं जानती। आप यहाँ कोई काम करते वाले? बहुत पुराने कभी काम करती थी 10-15 साल पहले। ये कहाँ से आए थे? जम्मू कश्मीर? जम्मू से। जम्मू से तो किस प्रकार मदद की पड़ोसियों ने आपकी? बहुत मदद करी सब उन्होंने ही किया और चोरों को पकड़ा भी उन्होंने और हमारी भी बहुत मदद करी सब तरह से, उनसे बचाया भी सब कुछ। अगर पड़ोसी नहीं होते तो कितनी बड़ी घटना? बहुत मुश्किल हो जाती, आज मैं आपके सामने नहीं होती। क्या कहा आपसे, क्या बोला? कुछ बोले ही नहीं, बिल्कुल मुंह बंद। फिर आपको क्या, आपको गला दबाने की कोशिश करे? अंदर कमरे में ले गए मैं तो सीढ़ी और मुंह दबाया और नीचे जमीन में लिटा दिया, दबाते रहे दबाते रहे और मेरी चेन खींच ली और जो कुछ अंदर से रुपया पैसा ले गए होंगे। जब चुपचाप चले गए, छत के चले गए, वहाँ से कहाँ गए हथियार वतन थे कुछ औजार। स्प्रिंट डे स्कूल के पीछे डॉक्टर निगम रहते हैं, कुरैशी मार्बल के पीछे। हम लोग अपने घरों पे थे, पता चला कि डॉक्टर निगम साहब के यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ तीन लोग, एक लेडीज और तीन जेंट्स लड़के, जो उनके घर के अंदर घुसे हुए थे, उनकी बीवी का गला गला दबा रहे थे। जब हम लोगों ने, पड़ोसियों ने सब मिल के, शहादत भाई और निज़ाम भाई और क्या नाम, फिरोज़ भाई, सब ने, आमीन भाई, सब ने घेरा, तो ये लोग कूद के दूसरे दुबे जी के मकान में चले गए और वहाँ से सब लोगों ने घेर के इन लोगों को पकड़ा। बाद में पता चला कि मैडम का गला दबा रहे थे, उनकी चैन तोड़ के आधी ले गए और इनके पास कटर वगैरह सब मिला है। जानकारी लगी कि इनके यहाँ काम करने वाली बाई की बहन ने ये सब किया है, लड़कों को लेकर आया है और आज डॉक्टर साहब बच गए। उनका सिर्फ मियाँ बीवी रहते हैं और कोई नहीं है, वो तो बच्चे इनके विदेश में रहते हैं। कितने बजे की ये पूरी घटना? ये 9:30 बजे करीब की, 9:30 से 9:30 के बीच की है। हाँ, और ये लोग कब रात में घर में घुसे, ना डॉक्टर साहब को पता है ना पड़ोसियों को पता है। करके प्लानिंग से आए हैं ये? कहाँ से आए हैं? जम्मू से आए हैं। जम्मू से बता रहे कि हम जम्मू से आए हैं जी। आप लोग नहीं होते तो कितनी बड़ी घटना है यहाँ पर? हाँ, वो पड़ोसी, मैडम की जान चली जाती। पड़ोसी होने के नाते तो ये अपन सबका हक बनता है। और फिर हम लोगों ने उनको पकड़ा और पुलिस को इन्फॉर्म की, पुलिस आके ले आई है उनको और अब जो कार्रवाई है पुलिस करेगी आगे। मेरा इरफान। 28/2/2009 के लगभग 9:15 बजे आनंद नगर में डॉक्टर रेणु निगम के यहाँ, जैसे उनके पति डॉक्टर जी एल निगम अपने क्लिनिक जाने के लिए तैयार हुए, घर में चार लोग, एक महिला सहित तीन लड़के थे, घुस गए। फिर फरियादिया जो रेणु निगम है, उनको डाइनिंग रूम में ले जाकर उनका मुंह दबाने लगे। इतने में पास में रखे एक पर्स से उनने 4-5 हज़ार रुपये निकाल लिए। जब उनने बोलना बंद कर दी तो चैन की, सोने की चैन तोड़ खींच ली। इसके बाद जैसे ही उनके पति आए तो चारों लोग भागने लगे। रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है, चार लोगों का भी अभिरक्षा में ले लिया गया है।
इसमें जो रजनी महिला थी उसका नाम रजनी प्रजापति है, जो उनके यहाँ 10 से 15 साल पहले काम कर चुकी है। 3 लोग हैं, उनकी पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ पे रहने वाली थी। एक महिला जम्मू कश्मीर की भी बताई जा रही है, वो महिला का महिला उन्हीं का कहना है फरियादी लोगों का कि जो पहले जम्मू की रहने वाली थी, उनके यहाँ 10 से 15 साल पहले काम कर चुकी है। पड़ोसी जैसे भागने लगे तो उनको पकड़ने में पूरी सहायता की। अभी तक तो विवेचन जी आया कि चोरी करने के उद्देश्य से आया, एक लोहे का कटर बरामद किया।